मार्केट में मिस्टेक्स आर इनएविटेबल, गलतियां तो होंगी, बट जरूरी यह है कि हम उन मिस्टेक से सीखकर लर्न करके उन्हें रिपीट ना करें. एंड इफ वी आर लुकिंग फॉर मिस्टेक्स देन वी आर इन लक. बहुत से ट्रेडर्स ने मार्केट में बहुत सी ट्रेडिंग और बहुत सी गलतियां की हैं. हमारे लिए तो बेस्ट यही होगा कि हम उनकी मिस्टेक से सीखें, बिकॉज लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल्स मनी कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड मोस्ट सर्टनली इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉप 5 मिस्टेक्स मेड बाय डेरिवेटिव ट्रेडर्स. मैं हूं कुश बोहरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स. पिछले वीडियो में हमने देखे थे कुछ डेरिवेटिव इंडिकेटर्स जैसे ओपन इंटरेस्ट, पुट कॉल रेशियो. कैसे इन इंडिकेटर्स की मदद से आप स्टॉक का ट्रेंड या मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट समझ सकते हैं. अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉप 5 मिस्टेक्स दैट द FNO ट्रेडर्स मेक एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हाउ टू अवॉइड देम. चलिए शुरू करते हैं मिस्टेक नंबर 5 से, ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स. बहुत से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं ये सोच के कि ये है एक मनी मेकिंग मशीन. वेल, उनकी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं. गलती होती है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होगा बहुत फास्ट. मार्केट में पैसे बनते हैं बट आपको अप्लाई करना पड़ता है पेशेंस एंड परसिस्टेंस. मैं ज़्यादातर ट्रेडर से ये पूछता हूँ कि अगर आपने मार्केट में 100 रुपये लगाए, एक महीने बाद आप क्या चाहते हैं, ये पैसे कितने हो जाए ग्रो होके, 105, 110, 120 या 200? अगर आपका आंसर था सबसे लीस्ट यानी 105, तब भी देखिए आपका परसेंटेज रिटर्न कितना बना. एक महीने में आपने बनाया है 5% रिटर्न. अगर हम इसे एनुअलाइज करें यानी साल भर के लिए कैलकुलेट करें तो वो हुआ 60% रिटर्न. क्या ये कम है या ज़्यादा? चलिए इसे समझते हैं एक बेंचमार्क से. मार्केट में रिटर्न के बेंचमार्क्स होते हैं निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स के रिटर्न्स. हमारे इंडेक्स यानी निफ्टी और सेंसेक्स ये ग्रो हुए हैं एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 15-16% पर एनम. अगर हम इस नंबर को यानी 15-16% के रिटर्न को एक बेंचमार्क लेके चलें तो 60% लगता है बहुत बड़ा. क्या आप जानते हैं अगर कोई फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट करे तो उसे माना जाता है बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस. हम जब मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये बेंचमार्क एक सही बेंचमार्क बन सकता है हमारी ट्रेडिंग के लिए. इससे एक फायदा और होता है, अगर हम इतने बड़े रिटर्न की ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें तो हम मार्केट में उतनी बड़ी रिस्क भी नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स इतनी बड़ी रिस्क लेके अपने पैसे खो बैठते हैं. तो अपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस को करिए रैशनलाइज ताकि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें और आपका कैपिटल ग्रो होता रहे. मिस्टेक नंबर 4, रिवर्सिंग ग्रीड एंड फेयर. आपने सुना होगा कि मार्केट्स चलते हैं दो इमोशंस पे, ग्रीड एंड फेयर. ज़्यादातर लॉसेस तब होते हैं जब हम इन इमोशंस को करते हैं रिवर्स. चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. आपने बाय किया एक स्टॉक 100 रुपये के प्राइस पे. आपको चाहिए कि ये स्टॉक जाए ऊपर और आपका बने प्रॉफिट. स्टॉक चला गया 100 से 105. अब वो सोच रहे हैं कि भाई जो प्रॉफिट मिल रहा है वो तो लेके हम निकल जाएं इस पोजीशन से. ये था डिसीजन फियर बेस्ड. अब अगर मार्केट गिरता है नीचे यानी आपकी पोजीशन पे होता है आपको लॉस, ये स्टॉक 100 रुपये से गिर के हो जाता है 90 रुपये, तब बहुत से ट्रेडर्स ये करते हैं कि वो इस पोजीशन को करते हैं होल्ड इन द होप कि ये स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो हम इससे एग्जिट कर जाएंगे. तो लीजिए ये हो गया रिवर्स ग्रीड एंड फेयर. जब स्टॉक 100 से 105 गया तब आपको होना चाहिए ग्रीडी. आपको इस तरह से स्ट्रैटेजाइज और प्लान करना चाहिए कि अगर स्टॉक यहाँ से और ऊपर जाए तो आप उसे राइड कर पाएं. और जब मार्केट जाता है नीचे यानी 100 से 90, तब आपको होना चाहिए फियरफुल कि मार्केट जा रहा है नीचे और मेरा हो रहा है लॉस. और जब ये स्टॉक नीचे आ रहा है तब आई कैन इमेजिन दैट यू विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल. और अगर ये लॉस और बड़ा हो जाए तो आपका डिस्कम्फर्ट और बढ़ेगा. इसीलिए इट्स बेस्ट टू बी फेयरफुल और इस लॉस को यहीं कट कर दिया जाए. जिस दिन
आप इस इमोशन को सही तरीके से समझ के इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उस दिन आपकी ट्रेडिंग होगी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। और एक और बात, इसको इम्प्लीमेंट करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो ये है कि आपके रिस्क और रिवॉर्ड को स्क्यू कर दीजिए मैसिवली इन द फेवर ऑफ रिवॉर्ड्स। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब आप कोई भी ट्रेड करें तो आप इस तरह से करें कि एक रुपए के लॉस के सामने आपका हो रहा हो पांच रुपए का प्रॉफिट। इस ट्रेड में जब आप एंटर करेंगे तो आपका मैसिव रिवॉर्ड पोटेंशियल बन जाता है। इस केस में अगर आप बहुत से ट्रेड्स में लॉसेस बुक करते हैं तो भी सिर्फ कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट करके आपका पोर्टफोलियो रहेगा इन द ग्रीन। मिस्टेक नंबर 3, रॉन्ग पोजिशन साइजिंग। पोजिशन साइजिंग का मतलब है कि किसी भी स्टॉक या ट्रेड में आप कितने पैसे लगा रहे हैं। इसे आप अलग अलग नाम से भी जानते होंगे, जैसे ओवर लेवरेजिंग और डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। ये सेइंग तो आपने सुनी होगी और ये ज़्यादातर अप्लाई होती है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि वो होते हैं लेवरेज्ड प्रोडक्ट्स। और जैसा हमने पहले कहा है, अगर लेवरेज्ड प्रोडक्ट्स आपके फेवर में चले तो वाह वाह, और अगर ये चले आपके अगेंस्ट तो तौबा तौबा। चलिए एग्जांपल कंसिडर करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जहां पे आपने एक 6 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है सिर्फ 25,000 रुपए रख के ऑप्शंस में। इसमें एडवांटेज ये है कि अगर ये आपके फेवर में चले तो आपका परसेंटेज रिटर्न बहुत हाई होगा। और इसका दूसरा साइड ये है कि अगर ये आपके अगेंस्ट चले तो आपका मैक्सिमम लॉस होगा सिर्फ 25,000 रुपए का। लेकिन ये 25,000 रुपए हो सकते हैं 100% ऑफ योर कैपिटल, यानी अगर ये पोजीशन आपके अगेंस्ट जाए तो आप लूज कर सकते हैं अपना पूरा कैपिटल। इसलिए किसी भी स्टॉक या किसी भी ट्रेड में हमें उतनी ही पोजीशन लेनी चाहिए कि अगर वो हमारे अगेंस्ट चले तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हिट ना ले और उसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस ना हो। एक जनरल रूल ऑफ थंब आप ये ले सकते हैं कि किसी भी पोजीशन को इस तरह से मैनेज करें कि उसका लॉस आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को 2-3% से ज़्यादा का हिट ना दें। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से पोजीशन लेते हैं तो दो चीज़ें होंगी, कोई भी पोजीशन आप इतनी बड़ी नहीं लेंगे कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, और दूसरा अगर इसमें आपका लॉस भी होता है तो आपका बहुत बड़ा कैपिटल नहीं वाइप आउट होगा। ये पर्टिकुलरली ट्रू है इन केस ऑफ ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन बायर्स बहुत ही दूर का ऑप्शन बाय करते हैं, यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। वो इसलिए करते हैं बिकॉज ये सस्ते मिलते हैं। बट यहाँ होती है रिस्क। अगर आपके स्टॉक में बहुत बड़ा मूवमेंट ना आए तो आप इस ऑप्शन पे प्रॉफिट नहीं बनाएंगे और आपका ये ऑप्शन धीरे धीरे हो जाएगा जीरो। आप अपना पूरा कैपिटल लूज कर सकते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए आप कर सकते हैं दो चीजें। पहला, डू नॉट बाय टू फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। बाय करिए एट द मनी या जस्ट आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, क्योंकि इनमें मूवमेंट आएगी कंपैरेटिवली मच फास्टर और आपको मिल सकता है अर्ली एग्जिट। और दूसरी चीज, जब आप ऑप्शंस बाय करें तो उन्हें बहुत ज्यादा दिनों तक होल्ड मत करिए, क्योंकि अगर आपके स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया तो आपका ऑप्शन हो सकता है एक्सपायर जीरो। आपको याद होगा कि डेरिवेटिव्स पहली बार इन्वेंट और यूज हुए थे हेजिंग के लिए, तो अगर आप इनका यूज कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए या उसकी रिस्क कम करने के लिए, तो ये होगा उनका एकदम सही यूज। और अगर आप इन्हें यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग या स्पेक्यूलेशन के लिए, तो ध्यान रखिए कि आप बहुत बड़ी पोजिशन ना लें ताकि आपका रिस्क रहे कंट्रोल में और आपका कैपिटल रहे प्रोटेक्टेड। मिस्टेक नंबर 2, टू मच डिपेंडेंस ऑन डिसिप्लिन एंड इमोशंस। जी हाँ, आपने सुना होगा कि मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन। मैं आपको यहाँ पे कुछ और कहने वाला हूँ। डिसिप्लिन डज नॉट लास्ट। जी हाँ, डिसिप्लिन डज नॉट लास्ट। कितनी बार आप लोगों ने कोशिश की होगी उठ के जिम जाएं, डिसिप्लिन रहें अबाउट योर एक्सरसाइज एंड फिटनेस रिजिम, और कितनी बार ये डिसिप्लिन हो गया ब्रेक। वेल, इसका मतलब ये नहीं कि डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट आई मीन इज, आपको वो नया पर्सन बनना पड़ता है आपका रिजल्ट अचीव करने के लिए। यू हैव टू बिकम समवन हु लव्स एक्सरसाइजिंग एंड वांट्स टू बी फिट। जब आप ये नए पर्सन बनते हैं
जब आप अपने बिहेवियर का ये एस्पेक्ट चेंज करके कंप्लीटली अडेप्ट करते हैं, तब आप बनते हैं द न्यू यू। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तब भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। आप ट्रेडिंग करते समय लॉसेस लंबे समय तक होल्ड करते हैं और प्रॉफिट्स जल्दी बुक कर लेते हैं। नो अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन इज गोइंग टू हेल्प यू गेट आउट ऑफ दिस अनलेस एंड अनटिल यू बिकम द ट्रेडर हु कट्स हिज लॉसेस अर्ली एंड राइड्स हिज प्रॉफिट। दूसरा पॉइंट है इमोशंस। हमें यह कहा जाता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। वेल, एज ह्यूमन बींग्स वी आर बंडल्स ऑफ इमोशंस। इमोशंस तो रहेंगे, बजाय इसके कि हम इसे चैलेंज करें और इन्हें कंट्रोल करें, ये बेस्ट है कि हम इन्हें समझें और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इनके हिसाब से अडेप्ट करें। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जिसे बहुत ज़्यादा रिस्क पसंद नहीं है, तो आप उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट और ट्रेड करिए जहां पे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इन दोनों पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हैं बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है टेक पोजिशंस एज पर योर रिस्क एपेटाइट एंड पोर्टफोलियो वैल्यू। इन अदर वर्ड्स, ध्यान रखिए अपनी पोजिशन साइजिंग का। दूसरा, ऑलवेज अप्लाई स्टॉप लॉसेस। और तीसरा है नेवर टेक योर ट्रेडिंग पोजिशंस विदाउट अ हेज। जब आप इन तीनों स्टेप्स को अप्लाई करते हैं तब आप बनते हैं एक न्यू यू। आप बनते हैं एक स्मार्टर, मोर इन्फॉर्म्ड एंड एन अवेयर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर जो अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करके चलता है एज पर हिज डिसिप्लिन एंड इमोशंस। एंड द नंबर वन मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं FNO में, वो है लैक ऑफ अ ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट। अगर हम कोई भी बिल्डिंग बनाना शुरू करें बिना ब्लूप्रिंट के, तो बिल्डिंग बनने के बाद हमें समझ में आएगा कि कितना बड़ा ब्लंडर हो गया और ये बिल्डिंग हो सकती है कोलैप्स। इसी तरह से अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करते हैं विदाउट अ वेरी क्लियर ब्लूप्रिंट, तो हो सकता है आपको कुछ समय बाद रियलाइज हो कि कितना बड़ा ब्लंडर हो गया और वो हो सकता है कोलैप्स। तो आइए समझते हैं ऐसे कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जो आपको अपने ब्लूप्रिंट में इनकॉर्पोरेट करने बहुत ज़रूरी हैं व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग। ये हैं 4 कॉम्पोनेंट्स। सबसे पहला है नो योर ऑब्जेक्टिव। यस, कोई भी चीज़ शुरू करने के पहले हमें हमारा ऑब्जेक्टिव या आउटकम बहुत क्लियर होना चाहिए। जब हम पोर्टफोलियो बनाना शुरू करते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये इन्वेस्टमेंट या ट्रेड क्यों कर रहे हैं। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारे होम लोन को पे ऑफ करना, या हमारे बच्चों की एजुकेशन को फंड करना, या हमारे लिए रिटायरमेंट इनकम सिक्योर करना। ये सारी बातें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे डिसाइड होगा आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आप इनकम जनरेशन करना चाहते हैं तो आप अलग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे। अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आप एक अलग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव इनकम क्रिएशन है या वेल्थ जनरेशन, आप कौन से टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे ये सब डिपेंड होगा ऑन नोइंग योर ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियरली। दूसरा स्टेप है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं पोजीशन कब ली जाए एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उससे कब निकला जाए। तो हमें इस चीज़ पे क्लैरिटी तब मिलती है जब हम पोजीशन में एंटर करने से पहले ये होमवर्क रेडी रखें। आप पोजीशन में तब एंटर करिए जब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में हो, और एग्जिट कर जाइए जब आप लॉस इनकर कर रहे हों या आपका टारगेट मीट हो गया हो। इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है, इसलिए हमने एक पूरा वीडियो बनाया है ऑन द रोड मैप फॉर ट्रेडिंग, और वो है हमारा अगला वीडियो, तो उसे देखना ना भूलें। अगला पॉइंट है कीप व्हाट वर्क्स। जब आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी और बहुत सी चीज़ें आपके अगेंस्ट। कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी जो आपके लिए रिटर्न्स जनरेट करेंगी और कुछ जो आपके लिए लॉसेस करेंगी। द आइडिया इज टू कीप व्हाट वर्क्स। जो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है कंटिन्यू डूइंग दैट एंड कीप रिव्यूइंग दिस लिस्ट सो यू आर ऑलवेज अपडेटेड ऑन व्हाट्स वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट्स नॉट। लास्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस लर्निंग। जितना आप मार्केट में ट्रेड करेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। मार्केट में हर दिन एक नई लर्निंग होती है, नए टूल्स, नई स्ट्रैटेजीज, नए इंस्ट्रूमेंट्स आते रहते हैं। जब आप अपने आप को इनसे अपडेटेड रखते हैं तो आपका पोर्टफोलियो भी रहता है अपडेटेड। तो ये थी हमारी top 5 mistakes ऑफ FNO ट्रेडर्स। चलिए करते हैं एक क्विक रीकैप। मिस्टेक नंबर 5,
ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स। मिस्टेक नंबर 4, रिवर्सिंग ग्रीड एंड फेयर। मिस्टेक नंबर 3, रॉन्ग पोजिशन साइजिंग। मिस्टेक नंबर 2, टू मच डिपेंडेंस ऑन डिसिप्लिन एंड इमोशंस। एंड मिस्टेक नंबर 1, लैक ऑफ ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट। इनमें से ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आप करते आ रहे हैं और अभी से अवॉइड करेंगे, या कोई ऐसी मिस्टेक जो आप इस लिस्ट में ऐड करना चाहें, उन्हें डालिए कमेंट सेक्शन में। अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे अ रोड मैप फॉर ट्रेडिंग, कैसे आप अपने लॉसेस को जल्दी कट कर सकते हैं और कैसे अपने प्रॉफिट्स को राइड कर सकते हैं। तो इस अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मिलते रहें हमारे सारे अपडेट्स। मैं हूं कुश बोहरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स। अच्छी लर्निंग का सीक्रेट है रेपिटेशन। तो अगर कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए तब तक जब आप उस कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से समझ न जाएं।